सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें क्या दिया है कि द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, ठीक है, और इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मेक वन ओवर द लेवल ऑफ प्लेग्राउंड। मतलब कुल मिला जुलाकर आपका एक जो रोलर है, जैसे सड़क पर नहीं जो सड़क बनाता है वही वाला रोलर है, तो हम लोग देखते हैं कैसा होता है, सर्कुलर होता है कि नहीं। मान लीजिए पेन टाइप का होता है कि ऐसे ऐसे रोल करता है, तो हमें बताना भैया ये 500 राउंड लेता। मान लीजिए देखिए हम समझते हैं, हम बेसिकली दिया क्या है कि आपका जो बेसिकली जो रोलर है, मान लीजिए हम लोग जानेंगे भैया सिलेंडर टाइप का होगा, तो यह 500 राउंड लेता है। मतलब कि एक बार राउंड दिया पार्क का, एक राउंड इसी तरह फिर इधर आके करेगा, दो राउंड इसी तरह, कितना राउंड लेता है, इसी तरह 500 राउंड लेगा। तो हमें निकालना है कि एरिया प्ले ग्राउंड, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अच्छा बताइए। जब ये ऐसे रोल कर रहा है बेसिकली ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल मिला जुला कर्व और सरफेस एरिया ही जितना होगा उतना ही क्या करेगा, कवर करेगा। तो इसका हम सिंपली क्या निकालने होते हैं आप लोग, हाँ इसका हम निकाल लें कर्व सरफेस एरिया। तो हम क्या जानते बताइए, कर्व सरफेस एरिया आप सिलेंडर बोलिए कितना होता है, जल्दी बताइए आप लोग। हाँ बहुत सही, 2πr और h होता है, सारी वैल्यू हम रख दें 2π और r हमारा कितना दिया है, हमें डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, इसका आधा होता है, इतनी बताइए आप लोग। हाँ तो इसका आधा कितना बताइए, 42 हो जाएगा हमारा, तो रेडियस होगा। और हाइट कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर दिया है। तो बस यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, इसके कर्व सरफेस एरिया हमें आ गई। तो अच्छा ये तो हमारा एक राउंड में इतना है, ठीक है, मतलब एक राउंड में हमें इतना राउंड, इतना हमें एरिया कवर कर रहा है, तो कुल एरिया कितना होगी, हाँ 500 राउंड करवाना है। तो हम लिख देंगे कि लेट वन राउंड के लिए कितना बताइए आप लोग, कितना एरिया कवर कर रहा है, 2π × 42 × 120। तो अब हमारा 500 राउंड के लिए बस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2π × 42 × 12 × 500, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका टोटल एरिया क्या होगा, कवर करेगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर हमारा रोलर, हम लोग देखते हैं भैया रोल करता है तो क्यों रोल करता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया, मैंने बता दें कर्व सरफेस एरिया मतलब कि ये इसका बेसिकली ऊपर वाला पेंटिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ के बारे में। फिफ्थ वाला भी सेम उसी तरीके से, इसमें देखिए क्या हमें दिया, समझते हैं कि एक और सिलेंडर पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द सरफेस, मतलब कर्व सरफेस ऑफ पिलर, मतलब पिलर को मतलब पेन है, पेन को इसी को पेंट करना है, इधर इस वाले पार्ट को नहीं पेंट करना है, जो नहीं है इस वाले हमें पार्ट को पेंट नहीं करना, बल्कि किसको, इसको पेंट करना है। तो कैसे हम इसका भी तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो देखिए बस हमें ध्यान में रखना है कि कब कर्व सरफेस निकालना है, कब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो फिफ्थ वाला हमारा बहुत आसान है, इसमें क्या दिया है बेसिकली कि आपका जो सिलेंडर का पिलर है, तो चलिए बस वही हम कर्व सरफेस एरिया आप निकाल लेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखेंगे कब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि जब ये कहे कि भैया सबको कवर करना है, इसको भी कवर करना है और इस वाले पार्ट को भी कवर करना है, तो बस कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। देखिए कैसे होगा, 2πr हमें दिया है कि डायमीटर हमें दिया, तो उसका 50 दिया तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमें दिया था 3.5 मीटर दिया, तो इसे सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 350 सेंटीमीटर। बस 350 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो एक काम तो हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया, लेकिन कह रहा है कि आपको कह रहा है कि पर मतलब एक मीटर स्क्वायर एरिया अगर पेंट करवाना तो भैया आपका 12.5 रुपये लगेगा, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो हमारा इतना क्या आया, इतना सेंटीमीटर में स्क्वायर में आया है, तो इसको मीटर स्क्वायर बदलने से क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं भैया 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए आप लोग बताइए, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 100 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बस इसको मीटर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया जितना हमारी आएगी 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इतने में ही 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.5 जूस, क्योंकि देखिए यूनिटरी मेथड जानते हैं कि अगर 1 रुपये में 2 टाफी तो 2 रुपये में 4 टाफी, ठीक है। तो उसी प्रकार 1 मीटर का भैया इतना कॉस्ट है, इतने का कितना कॉस्ट होगा, इससे हमारा निकल जाएगा। आप लोग कैलकुलेटिव पार्ट करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। आप लोग मत ऐसे छोड़िएगा, ठीक, मैं आप लोग को एक केवल थ्योरी दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आप लोग कम से कम अप्रोच कर लें, ठीक है।